नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। और आज की वीडियो है एक मूवी के बारे में जो कि मुझे लगता है इंस्पायर है। रॉबर्ट डिनीरियो की एक मूवी आई थी डर्टी ग्रैंडपा। इस मूवी का ट्रेलर देखा था मैंने, पॉइंट ब्लैंक मूवी देखने गया था मैं। पॉइंट ब्रेक या पॉइंट ब्लैंक करके एक मूवी थी जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस पे थोड़ी सी इंस्पायर थी पार्ट वन से। तब देखा था रॉबर्ट डिनीरियो की इस मूवी का ट्रेलर मैंने, उसी से इंस्पायर मुझे ये मूवी लग रही है। लेकिन वो मूवी कॉमेडी थी और ये मूवी कॉमेडी के साथ साथ में थोड़ा सा सोशल मैसेज भी है। गजराज राव की मूवी है जिसका नाम है थाई मसाज। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। अच्छी मूवी है और इसमें दिव्येंदु भी हैं, मिर्जापुर के मुन्ना भैया, और भी करेक्टर्स हैं इसमें। इसमें क्या है, गजराज राव की उम्र है 70 साल और इनकी जो वाइफ हैं वो दिखाई नहीं गई ज़्यादा, मतलब यंग वर्जन दिखाया गया उनका, ओल्ड वर्जन नहीं दिखाया गया है। और वो कम से कम 24 साल तक 22 या 24 ईयर्स तक वो क्या थी, पैरालाइज थी और वो बिस्तर पे थी। तो इनकी जितनी भी तमन्नाएं थी, सेक्सुअल डिजायर्स जो थी, वो सारी अधूरी रह गई थी। और उन्होंने कभी अपनी वाइफ पे चीट किया नहीं, जब वो बेड पे थी तो उस समय इन्होंने चीट किया नहीं। अब इनकी उम्र बढ़ रही है तो इनको होता है ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो बीमारी इनको लगता है कि है, तो ये उसका इलाज करवाने के लिए जाते हैं। किसी तरह से इसका इलाज नहीं करवा पा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, ये सुसाइड करने की सोचते हैं टेंशन में आके। और जब टेंशन में आके उसका इलाज करने की सोचते हैं, लो सुसाइड करने की सोचते हैं, तब इनकी मुलाकात होती है दिव्येंदु से, जिनका नाम होता है संतू, संतुलन कुमार, तो शॉर्ट नेम उनका संतू हो जाता है। तो वो इनको बचाते हैं, फिर इनको जगह जगह लेके जाते हैं, फिर एक ये मुल्ला जी होते हैं उनसे मिलवाते हैं, जिन्होंने 85 की उम्र में जिनके एक बच्चा होता है जिनकी वाइफ को, तो उनके पास लेके जाते हैं। फिर वो इनको क्या होता है ना, वो देते हैं इनको दवाई, नुस्खा बताते हैं कि उनकी जवानी, मतलब बुढ़ापे में उनकी जवानी बरकरार रखने का क्या राज है। वो बोलते हैं प्याज खाओ, पेल के कम से कम दिन के 12-13 प्याज खाओ, तो ये प्याज खाना चालू कर देते हैं। फिर इनको रिलाज होता है कि जो इनकी बीमारी थी वो सही हो गई है, तो अब ये उसको आजमाने के लिए निकल पड़ते हैं और ये जाते हैं बैंकॉक। बैंकॉक जाते तो बैंकॉक में इनके साथ में क्या क्या होता है, उससे पहले क्या क्या होता है, इनके दो लड़के हैं एक लड़की है, उन लोगों को जब ये पता लगता है तो उनके साथ में क्या होता है, इसी बारे में ये पूरी कहानी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। गजराज राव ने बड़ा शानदार एक्टिंग की है और मुन्ना भैया की एक्टिंग मुझे पंचनामा बन से ही अच्छी लगती है। तो ओवरऑल ये टाइम पास फिल्म है, वन टाइम वॉच है, सिनेमा हॉल्स में आई थी नहीं आई थी पता नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। हो सकता है मैं प्लेटफार्म गलत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास तीन चीज़ की मेंबरशिप है, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स। तो मैंने इन्हीं में से तीनों में से किसी एक पे देखी, लेकिन नेटफ्लिक्स का मुझे सबसे ज़्यादा पक्का लग रहा है, उसी पे देखिए। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं इसका। और क्या है, गजराज राव की एक और उम्दा परफॉर्मेंस से आप रूबरू हो सकते हैं। इसमें एक लड़की दिखाई गई रसियन, बाद में आती है, वो मुझे बहुत क्यूट लगी और बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगी। उसको थोड़ी सी हिंदी आती है, बाकी बढ़िया लगी वो मुझे। मुझे उसको और भी फिल्मों में हमारी देखने का मन कर रहा है। और कुछ कुछ लग रहा था मुझे कि सलाम इश्क में साथ गोविंदा के साथ यही थी, लेकिन वो सलाम इश्क बहुत पहले आई थी तो वो लड़की इतनी यंग नहीं हो सकती है। तो जो ये लड़की है ये भी बड़ा अच्छी है और बहुत सिंक में बैठ रही है सबकी एक्टिंग। आप देख, राजपाल यादव का भी इसमें थोड़ा सा कैमियो है, स्पेशल अपीयरेंस है, बड़ा मज़ेदार। राजपाल यादव का जब एक्सपीरियंस आता तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपको फिल्म थोड़ी सी बोर कर सकती है लेकिन उतना ज़्यादा बोर नहीं करेगी, मुझे तो मज़ा आया देखने में। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप सब लोग भी जाके देखें। गजराज राव, राजपाल यादव, दिव्येंदु, इन सब की एक्टिंग का, जो गजराज राव के बच्चे बने उनकी एक्टिंग का भी मज़ा लीजिए। और एक लेडी और हैं जो कॉमेडी करती हैं, उम्र दराज हैं थोड़ी सी, वो भी इस फिल्म में हैं और वो उनका भी करेक्टर बड़ा कॉमेडी वाला है, बड़ा मज़ेदार। तो थाई मसाज एक बहुत अच्छी इंटरटेनर मूवी है, फैमिली के साथ में भी देख सकते हैं, दमदार है। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो खड़ी गंबा, भारत माता की जय, जय हो।